साहस सरोकार। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में, मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। सभी प्रत्याशी इस चुनाव को लेकर जोरों शोरों से तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसको देखते हुए प्राइम टीवी की टीम लखनऊ के निशातगंज के पेपर मिल कॉलोनी वार्ड में पहुंची और वहां की जनता से मौजूदा पार्षद और विकास के मुद्दों को लेकर वहां का हाल जाना। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास प्रोग्राम नगर संग्राम में। जी हाँ, नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही है। सभी पार्टियां जो हैं अपने जोरों शोर से तैयारियों में लग गई है, चाहे सपा हो, चाहे बीजेपी, चाहे बसपा, चाहे कांग्रेस, सभी पार्टियां जोरों शोर से अपनी रणनीति को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। और इसी कड़ी में प्राइम टीवी की टीम जो है उत्तर प्रदेश के सभी वार्डों में जाके वहाँ के जो वार्ड हैं उनकी जमीनी हकीकत दिखा रही है, उन्हीं के जनता से उनके जो वार्ड के हाल को सुना रही है। तो आइए जानते हैं जो पेपर मिल कॉलोनी के वार्ड के जनता से कि 5 साल में जो उनके पार्षद है कितना विकास के काम किए हैं और क्या क्या काम किए हैं, क्या नया काम किए हैं। सर, आप बताएंगे कि ये जो पेपर मिल कॉलोनी वार्ड है तो 5 साल में जो आपके पार्षद है क्या क्या काम, कितना विकास के काम किए हैं? विकास का काम तो किया है, यहाँ पे जो रोड हैं, नालियाँ हैं, ये सब ठीक करवाई हैं, बस यही विकास का काम है, इसके अलावा तो कुछ नहीं। तो सर, काम 5 साल में करवाए हैं, सर कितनी बार आते हैं, मतलब सर दौरा करने? अभी जो चुनाव भी आ रहा है तो अभी तो आते ही होंगे। वो तो यही रहते ही हैं। अच्छा, यही रहते हैं? यही रहते हैं, हाँ यही रहते हैं। और रहते हैं तो फिर डेली अपने वार्ड में घूमते भी हैं। अच्छा, जहाँ की जो समस्याएं होती हैं उनको देखते हैं। ये नालियाँ जो दिखी पड़ी हुई पूरा खुले पड़े हुआ है, या कहिए जो फॉगिंग जो करवाया जाता था, फॉगिंग कितनी बार हुई है आपके? नालियों की प्रॉब्लम तो ये है यहाँ पे कि ये सारी नालियाँ टूट के फिर से बनना चाहिए। अच्छा। और यहाँ पे सीवर की जो प्रॉब्लम्स हैं। तो सर, आपने कहा कि वो विकास के काम किए हैं, तो ये विकास के काम तो सर नहीं दिख रहा कि नालियाँ खुली पड़ी हुई है, तो आप कह रहे हैं कि नई नाली, तो वो क्यों नहीं फिर बनवाए? एक पार्षद के पास में इतना कोटा नहीं होता है कि वो पूरे क्षेत्र की समस्या हल कर सके। ये समस्या किसके पास होती है? ये तो हमारे जो विधायक हैं, सांसद हैं, जो आते हैं और लुप्त हो जाते हैं। लेकिन सर, ये जो हमारे वार्ड की समस्या होती है वो पूरी तरह से पार्षद का ही होता है कि जो नालियां हो, फॉगिंग हो, ये सब पार्षद ही करवाएं। अगर नहीं होता तब सर विधायक के पास हम जाते हैं इस चीज़ों को लेके, जिला अध्यक्ष के पास जाते हैं। अगर पार्षद ना करवाएं तब सर ये समस्या जाती है। पार्षद का तो यही कहना होता है कि हमारे पास जो कोटा होता है मैं उसको लगा देता हूँ। अच्छा। अब वही आपके सामने दिख भी रहा है जी। और ये बहुत बड़ी बीमारी है यहाँ पे क्षेत्र में। जो मौतें होती हैं गरीबों जी, की जी, उनके बच्चों का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है इन बीमारियों से। अभी डेंगू की वजह से इतनी बहुत बहुत अभी मैंने कम से कम सैकड़ों लोगों को यहाँ से हॉस्पिटलाइज करवाया है, भर्ती करवाया है यही डेंगू की प्रॉब्लम से। अभी थोड़ी देर के बाद में आपको मच्छर इतना लगेगा, कोई हद नहीं। तो सर, आप तो कह रहे थे कि ये बहुत विकास के, तो सर नहीं, बहुत नहीं विकास। हमने कहा भाई नालियाँ और खड़ंजा उड़ंजा थोड़ा बहुत तो काम करते ही है ना जी, जी, जी। तो वो काम किया, वो आपको दिख रहा है। सर, जरूरी तो यही था ना कि फॉगिंग करवाएं, क्योंकि इतने सारे जो आप नालियां खुले पड़े देख रही हैं पूरी गंदगी से भरी हुई है, तो इसी की वजह से मच्छर आते हैं। देखिए ऐसा है, नगर निगम इसके ऊपर जो है पूरे आदेश था सर सरकार का कि हर क्षेत्र में फॉगिंग कराया जाए, ये काम सर पूरी तरह पार्षद का था। देखिए नगर निगम की तरफ से वो व्यवस्थाएं नहीं मिल रही हैं, क्योंकि ये मलिन बस्तियां हैं, गरीब लोग रहते हैं, यहाँ कोई अधिकारी रंग के लोग तो है नहीं कि यहाँ मच्छर मारने की मशीनें लगाई जाएं, नालियां साफ की जाएं, ये किया। सर, ये अधिकारियों के लिए सिर्फ आदेश नहीं था, ये पूरे गरीब तबके से लेके सर जो भी बीज उन सबके लिए आदेश था कि पूरे लखनऊ में फॉगिंग कराया जाए। देखिए आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ जी कि आपने इस मुहिम को उठाया है कि यहाँ जो गरीब लोग रहते हैं इनके पास में ये समस्याएं हैं और इस पे नगर निगम जो है आके काम करे जी, जी। वरना गरीबों को ना सरकार पूछने वाली है ना नगर निगम पूछने वाली है, ठीक है ना। यहाँ गरीब पैदा होता है और इन्हीं गंदगियों में मर जाता है, अब किससे कहने जाए। अब पार्षद जितना करवा पा रहा है उतना करवा पा रहा है, हम लोग कहते हैं ठीक है भाई, और क्या करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो परिवर्तन होगा। तो
सर परिवर्तन ही तो सबसे बड़ा होता है ना, कि वो जो नए पार्षद आए हैं वो इस जो वार्ड का सर परिवर्तन करे, विकास करे, इसीलिए तो मैडम एक विकल्प भी तो होना चाहिए, ऐसा प्रत्याशी भी तो सामने आना चाहिए। सर ये आप लोग के हाथ में है ना, आप लोग के हाथ में की प्रत्याशी अलग चुने जो हमारे। ऐसा है अभी तक के जो प्रत्याशी आए उसमें सबसे स्ट्रांग प्रत्याशी यही लगा, इसलिए इसको चुन लिया गया। अब इससे अच्छा कोई प्रत्याशी आएगा विकल्प के रूप में तो वो भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। और परिवर्तन तो होता ही होता है, ये समस्याएं रखी गई उनके सामने, अगर इन समस्याओं की तरफ उन्होंने गौर किया तो हो सकता है कि अगले पार्षद हों, या आगे जो ये भी हो सकता है कि कुछ परिवर्तन हो जाए, मैं पार्षद हो जाऊं, ये पार्षद हो जाए, कोई भी हो सकता है। बिल्कुल सर, जो भी विकास करे वार्ड का वो वही पार्षद। बिल्कुल, तो यही सब बात होती है कि इसमें जो भी पार्षद विकास किए हैं वो सर दिख नहीं रहा है, जैसे आपने कहा कि जो भी काम किए हैं अच्छा काम किए, लेकिन ये दिख नहीं रहा है कि क्या काम किए हैं, क्योंकि फॉगिंग नहीं करवाए हैं और ये नालियां खुली पड़ी है, तो ये सब देखिए कोई भी व्यक्ति कपड़ों से साफ सुथरा नहीं दिखता है। ये पार्षदी के अंदर जो वर्क हुआ है जी। तो डेली हर 5 साल के अंदर, 4 साल में, 2 साल में कपड़े चेंज करवा दिए जाते हैं जी, जी, वर्क जी, नहीं होता है जी। एक आदमी गंदा है उसने नहाया नहीं, उसके कपड़े चेंज करवा दिए गए, हल्का फुल्का जो मेंटेनेंस होता है वो होता रहता है जी, जी, बाकी जी। कोई वैसा विकास नहीं हुआ है जिससे क्षेत्र की जनता को बहुत ज़्यादा लाभ मिले जी। और यहाँ ये छोटे बच्चे हैं, इनका स्वास्थ्य देख लीजिए कहाँ से कहाँ जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये स्वास्थ्य ठीक नहीं हो सकता है, गंदगी के अंदर ये पैदा हुए और इसी में मर जाते हैं बेचारे। इनकी आवाज़ आपने उठा दी, बहुत अच्छी बात है, मैं फिर से आपको धन्यवाद करता हूँ, वरना कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आपके वार्ड में कितना विकास हुआ है 5 साल? हमारे विकास तो नजर ही नहीं आ रहा है कुछ। हमारे कहने का मतलब है जो जीतता है वो करोड़ों में है, हम आप नहीं जीत सकते हैं। एक सांसद को लेकर के, चाहे एक विधायक को लेकर के, एक सभासद से लेकर के, एक सभासद के पास 5-6 मकान होना चाहिए। तो सभासद को आपने देखा कि दौरा करने आते हैं? सवाल ही नहीं उठता है, कभी नहीं आए हैं। अच्छा, उनके चेले चपेटे आते हैं जी। ये है। और सांसदों की बात लीजिए, 37 साल हो गया मुकदमा लड़ते हुए जी। ये मोदी के पीरियड की बात है, वीर बहादुर मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हम लोग को समझौता हुआ था कि आप लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन यही बेगम हजरत पार्क में आपको याद होगा हाँ, पुलिस द्वारा लाठी चलवाया गया और समझाता हुआ हम लोगों में कि आप लोगों के ऊपर एक शब्द की नहीं नोटिस, और 37 साल हो गया, 156 आदमी जेल में गए थे जिसमें हम भी थे, तो सर आपका कहना है 32 आदमी सरकार जो भी एकदम निकम्मा है, काम नहीं कर रही जी। नहीं अच्छा। आप ये बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो पूरा देश न घुमाओ? मोदी ऐसा प्रधानमंत्री हुए जो कोई देश बचा नहीं है घूमने से है, आप भी बता दीजिए। जी 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 जी। ये होता है नेताओं की, घूमते हैं तो काम के लिए तो घूमते, कहाँ काम के लिए? गैस मिला आपको, सब्सिडी बंद हो गई जी। ये नोट कर लीजिएगा आप, क्यों सब्सिडी बंद हो गई? 0 नंबर पर खाता खुला, किसके खाते में पैसा आया आप जरा बताइए। चर्चा होती है जब योगी जी चर्चा करते हैं शनिवार के, या जो संडे को मन की बात करते हैं इतवार को, तो उसमें आपको ये बोल क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो आम जनता से बात करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये दिखावा है मैडम, ये दिखावा है जी। कोई आप सामने आकर के अब हम आपको क्या बता दें? देखिए एक प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुए थे जो एकदम जीप में खुला चलते थे, 1% दिए कोई गवर्नमेंट दिया है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कर्मचारियों को 1% दिया मिला हुआ आपको? अब कांग्रेस की गवर्नमेंट खराब नहीं थी, उससे बढ़िया सबसे मुख्यमंत्री बढ़िया तो अखिलेश यादव हुए, अखिलेश यादव का आना चाहिए दोबारा। तो यहाँ के साफ तौर पे जनता का यही कहना है कि विकास के काम नहीं हुआ है और यहाँ कोई खुल के बोलना नहीं चाहता है पार्षद के बारे में। साफ तौर पे दिख रहा है कि जो नालियाँ खुली पड़ी हुई है, आप ये देख सकते हैं कि जो ये जो हैंडपम्प है वो सूखा पड़ा हुआ, ये पूरी तरह से निकाल ही दिया गया है, मतलब यहाँ पे कोई भी विकास के काम नहीं हुआ है। आपको दिखा रहे हैं कि जो यहाँ की नालियाँ हैं देखिए पूरी तरह से गंदगी से भरा पड़ा है और कहीं भी यहाँ सफाई की काम नहीं दिख रहा है, चाहे वो हैंडपम्प हो वो पूरी तरह से सूखा पड़ा, उस पर काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ की जो जनता के साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पे कुछ हद तक 40% तक काम हुआ है और कुछ जो काम बचे गया हुआ है वो भी जो उनके पार्षद है वो भी काम करेंगे। तो आइए और भी जो यहाँ जनता मौजूद है उनसे बात करते हैं कि उनका आखिर अब
अपने वार्ड को लेकर क्या कहना है? तो सर अब बताइए, कितना काम हुआ है आपके 5 साल में आपके वार्ड में? हमारे वहाँ बहुत सारा काम हुआ है जी। राजेश सिंह गब्बर जो हमारे वहाँ के पार्षद, उन्होंने बहुत काम करवाया हुआ। अगर यहाँ कोई नया आएगा इतना काम नहीं करवा पाएगा जी। लेकिन हमको तो देखने में सर, मैं चली आ रही देख रही हूँ कि जो नालियाँ खुली पड़ी हुई है, ये पूरे जो गंदगी का अंबार लगा हुआ, तो कौन सा सर काम किए हैं? एक दिन में सारा काम नहीं हो सकता है ना, थोड़ा तो टाइम चाहिए। 5 साल था ना काम करने के लिए? काम करने के लिए 5 साल का टाइम था मानता हूँ जी, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है हर काम करने में जी। और फॉगिंग के लिए? फॉगिंग के लिए होता है, लेकिन फॉगिंग में थोड़ा सा लेट कर रहे हैं लोग। फॉगिंग के लिए हम कहेंगे, फॉगिंग सब कहीं नहीं हो रही है। चुनाव का टाइम आ गया है, तो क्या पार्षद जी अब निकल रहे हैं आप लोग के द्वारा अपने वार्ड में देखने, क्या समस्या है क्या नहीं? हमें जो है काम दिया गया है जी, वो हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। अच्छे से, चलिए शुक्रिया सर। सर आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं, वार्ड में कितना काम? 5 साल में यहाँ सीवर नहीं था जी, सीवर डलवाया उन्होंने जी, और फिर ये सड़क भी बनवाई है, RCC पड़ी थी पहले और टाइल्स बिछवाई थी, लेकिन वो सीवर में जब वो मिट्टी खुदती है तो बैठ गई है टाइल, यही सब दिक्कतें हैं, वो करवाने कह रहे हैं जी, जी, जी। और ये बिजली पानी ये क्या समझ, इसका पानी और बिजली तो सही आ रही है। अच्छा, तो वार्ड में ये दौरा करने बीच बीच में आते हैं, 5 साल में कितनी बार आए आपके पास? आते रहते हैं सर। आप बताना चाहेंगे आप कि 5 साल में कितना वार्ड में काम हुआ है सर, क्या क्या काम हुआ, कुछ नया काम बताएं? काम तो खैर लमसम सारा हुआ है, आप समझ ये कि ये खलंजो बिछा है, ये बैठ गया है जी, और आगे इसके नाला है जी, जी, जी। ठीक है जी। वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, उस पर पत्थर नहीं पड़ पा रहे हैं, हम दुकान नहीं अपनी खोल पा रहे हैं, बस ये सारी दिक्कतें यही है, दिक्कतें और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फॉगिंग हुआ था डेंगू के टाइम जो सरकार जी जी फॉगिंग कराया जाए जी जी, वो हुआ था, लेकिन बशर्ते ये है कि जो ये खंभा बना हुआ है, ये नाला बना हुआ है मेन आपका जी, ये इसे पत्थर नहीं पड़े हुए हैं, अपनी दुकान नहीं खोल पा रहे। और चुनाव का टाइम आ गया तो आपके तो अब आते ही होंगे पार्षद जी? जी जी आते हैं जी, आते भी हैं और पूरा ये यहाँ का लेके वहाँ तक पूरा देखते भी हैं, कूड़ा वूड़ा हर चीज़ देखते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब ये बताते हैं कि मेरे हिसाब से ये जो नाले पे पत्थर नहीं पड़े हुए हैं, ये पड़ जाए हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी ये रहे। मानना आपको कि पार्षद जी ने काम करवाया तक? जी हाँ करवाया है, कुछ हद तक नहीं मतलब काफी करवाया। तो आपने देखा यहाँ का जनता का यही कहना है कि जो यहाँ के पार्षद है वो 80% तक जो है काम करवाए हैं, सड़कें बनवाए हैं, नालियाँ सीवर लाए हैं, तो कुछ ऐसा अधूरा काम है जो कि वो फिर से जब पार्षद या बन के आ रहे हैं जो अपना काम पूरा करेंगे, तो यहाँ के कुछ जो जनता है वो कुछ संतुष्ट है अपने पार्षद के कामों से, वो दौरा करने भी आते हैं, तो ऐसे तमाम ऐसे यहाँ की जो परेशानियाँ वो भी वो तमाम इस पे हल करते हैं, जाके वो इस पे काम करते हैं। तो आइए और भी जो जनता है उनसे भी बात करते हैं कि उनका क्या कहना है यहाँ के वार्ड में कितना नया काम हुआ है। मैम बताइए कि कितना काम हुआ है 5 साल में, कितना विकास है, कुछ नया काम आपके जो पार्षद करवाए हैं? क्योंकि कुछ लोग कहना है कि 80% तक तो काम जो पार्षद है करवाए हैं, जैसे सीवर लाए हैं, सड़कें बनवाए हैं, तो आपको क्या कहना है, क्या परेशानियाँ हैं आपकी अपनी समझ? परेशानियां तो कुछ नहीं, क्योंकि जब से हमारे सभा साथ बने हैं ये राजेश सिंह गब्बर, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पर, ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, सड़कें भी बनवा दी हैं, और ये पीछे अगर आप इस साइड में जाएंगे तो अभी भी रोड बन रही जो खुद गई थी वो उसको फुट से बनवा रहे हैं वो। अच्छा। और पानी की टंकियां लगवा दी हैं जगह। फॉगिंग करवाया गया था अभी, जो फिलहाल आदेश आया था कि फॉगिंग करवाया जाए डेंगू की वजह से, जो हाँ बिल्कुल कराया था बिल्कुल, और जैसे अभी मच्छर वच्छर बहुत होते हैं तो दवाइयां छिड़कवाते हैं वो नगर निगम से लोग आते हैं, सब कुछ करते हैं, काम करवाते हैं, बिल्कुल कराते हैं, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। अगर वो दोबारा आ भी गए तो इससे बेहतर काम करेंगे। अच्छा, जो अधूरा काम है उसको पूरा पूरा करेंगे वो, अभी तक करते भी आ रहे हैं। मैम आप क्या कहना चाहेंगी, आपका क्या कहना है? हम तो हम लोग तो राजेश सिंह गब्बरी को चाहेंगे आए। अच्छा, फिर से क्योंकि उससे आप संतुष्ट काम करवा? हाँ वो काम कराते हैं, बिजली पानी सब 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 चीज के, हम लोग की कोई भी समस्या होती वो भी हल करते हैं, तुरंत सुनते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पार्षद जी बहुत कम मतलब आते ही नहीं है हमारे वार्ड में। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो खुद आते हैं यहाँ देखने भी आते हैं, और कोई ऐसी बात होती है उनको बुलाया जाता है वो तुरंत आते भी हैं जी, तो हम लोगों को तो उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल अच्छा काम हो रहा है जी, सब कुछ यहाँ पानी सप्लाई हर चीज टाइम से मिलता है पानी। अच्छा। और सभा साथ यही आना चाहिए हमारे। अच्छा, आपको ये हमें इन्हीं को ही मांगना को ही आप मांग कर जी।
हाँ, हम इन्हीं को मांगते हैं। पानी और फॉगिंग वॉगिंग कराया गया था कुछ? सब कुछ कराया गया। आपके वार्ड मतलब आपको लग रहा है कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं है सर। आप बताइए क्या बताए विकास क्या? पीछे देखिए आधा नाला बना आधा खुला पड़ा है, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं। कुछ लोगों का यही कहना है कि बहुत काम हुआ है विकास के काम, हम से वो नाला बन गया तब से वो उतना ही पड़ा है, उतना उससे ज्यादा बन ही नहीं पा रहा है आगे। बताइए खुला पड़ा है, बच्चे हैं कोई भी उसमें गिर सकता है। जी जी जी। और कितनी बार कंप्लेन गई है कि भैया इसको बंद करवाइए, आधा काम आपने छोड़ दिया है तो नहीं सुनते। कुछ नहीं कह रहे, अभी पत्थर के लिए हमने एप्लीकेशन दिया आएगा, अभी नहीं आएगा वही बता रहे बार बार। जी तो ये फॉगिंग करवाया गया था अभी जो डेंगू के लिए जो आया था अभी आदेश की पूरे वार्ड में जाके करवा तो हुआ है यहाँ पे? कितनी बार फॉगिंग हुआ? एक ही बार हुआ है। कई बार हुआ दो हमको तो एक ही बार हमको पता है। पानी सबकी क्या व्यवस्था है? नहीं वो तो सब ठीक है यहाँ, पानी का और बिजली का सब सही मतलब है। आप लोग जो भी समस्या होती है तो आप लोग बताते हो उस पे काम करते हैं आपके पार्षद? हाँ करते क्यों नहीं है, करते भी है और नहीं भी करते है क्योंकि पीछे देखो अभी कितनी बार कंप्लेन किया वो अभी कुछ सुनवाई नहीं उसके बारे में। तो आपने देखा पेपर मिल कॉलोनी वार्ड के जो जनता है वो कुछ जनता ऐसे है कि जो उनके कामों से खुश है, जो राजेश सिंह गब्बर है जो यहाँ के पार्षद है वो कुछ काम 80% तक जो यहाँ के काम है वो करवाएं, जैसे सड़कें लाए हैं, जो यहाँ के जो स्वीपर है वो भी काम किए हैं और फॉगिंग भी करवाए हैं। तो यहाँ के जो 50% जो यहाँ के जो जनता है वो उनके कामों से खुश है और कुछ का यही कहना है कि फिर से हम उन्हीं को पार्षद के रूप में लाएंगे और जो अधूरे काम है वो पूरा करेंगे और यहाँ तक वो दौरे करने भी आते हैं, यहाँ की जो समस्या है उसको भी देखते हैं। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो हमारे पार्षद है हमारे बात को कुछ नहीं सुनते हैं और कुछ को अनसुना कर देते हैं, तो कुछ काम जो है वो कुछ हद तक करवाते भी हैं। तो ऐसे ही तमाम उत्तर प्रदेश के जो वार्ड है वहाँ प्राइम टीवी की टीम जा रही है, वहाँ की जमीनी हकीकत दिखा रही है, जनता से पूछ रही है कि कितना विकास हुआ है, क्या काम हुआ है उनके वार्ड में। तो ऐसे ही हम और भी वार्ड में जाके जनता से बात करेंगे, उनके वार्ड के जो जमीनी हकीकत जानेंगे। तो बने रहिए नगर संग्राम में। कैमरामैन विजय के साथ सुहानी सिंह, प्राइम टीवी। नगर संग्राम में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।